एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। फुकरे थ्री की पूरी टीम देश में बदलाव चाहती है। पुलकित सम्राट एंटरटेनमेंट टैक्स जैसी चीजों को हटाना चाहते हैं। इसके अलावा वो 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन भी प्रोवाइड कराना चाहते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान फुकरे थ्री की टीम ने देश में काफी सारे बदलाव की बात की। फुकरे थ्री की टीम से पूछा गया, अगर आपको फिल्म के अलावा रियल में इलेक्शन लड़ना हो तो आप क्या मुद्दा उठाएंगे। इस पर ऋचा चड्ढा ने कहा कि वे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेगी। इसके अलावा ऋचा चाहती है कि हर इंसान अपने जन्मदिन पर कम से कम 2 पौधे लगाए। पुलकित सम्राट ने कहा, मेरे लिए एजुकेशन का महत्व सबसे अधिक है। मैं चाहता हूं कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले ताकि वो बच्चे दुनिया को समझने की उम्र तक पहुंच जाएं। वे हिंदी इंग्लिश के अलावा कई लोकल भाषाएं भी सीखें। इससे वे देश दुनिया की खबरों को पढ़ सकेंगे, अपना मत खुद सामने रख पाएंगे। पुलकित ने कहा कि मैं चुनाव जीत गया तो मैं एंटरटेनमेंट टैक्स हटा दूंगा। एंटरटेनमेंट जैसी चीज पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।